40वां नौसेना दिवस मना रही है। भारतीय समुद्री सीमा को सुरक्षित रखने वाले और विभिन्न आपदाओं के समय देश को राहत पहुंचाने वाले नौसैनिकों को आज देश सलाम कर रहा है। देश की आन बान शान की प्रतीक हमारी समुद्री सीमाओं की प्रहरी भारतीय नौसेना आज 44वां नौसेना दिवस मना रही है। 4 दिसंबर को हर साल देश के प्रति नौसेना की भूमिका और उपलब्धियों को याद किया जाता है। इस अवसर पर तीनों सेना प्रतिनिधियों ने दिल्ली के अमर जवान ज्योति पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। नौसेना प्रमुख रॉबिन के धवन ने देश के प्रति नौसेना के समर्पण को दोहराया। इंडिया इज एसेंशियली अ मैरिटाइम नेशन विद अ नेचुरल आउटफ्लो टुवर्ड्स द सीज एंड वी हैव वास्ट मैरिटाइम इंटरेस्ट्स व्हिच हैव अ वाइटल रिलेशनशिप विद द नेशंस इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इट इज द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द इंडियन नेवी टू इंश्योर that our maritime interests, which have a vital relationship, are allowed to develop unhindered, both in peace and war. प्रधानमंत्री ने नौसेना दिवस पर नौसैनिकों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने ट्वीट कर लिखा है, भारत को मजबूत और पराक्रमी नौसेना पर गर्व है, जो हमारे देश की रक्षा के समय हमेशा आगे रही है। नौसेना दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नौसैनिकों द्वारा किए गए नए प्रयोगों यानी नवाचार के लिए 4 पुरस्कार भी दिए। इस दौरान प्रधानमंत्री के सामने नौसेना के युवा जवानों और अधिकारियों द्वारा किए गए नवाचार का प्रदर्शन भी किया गया। भारत एक समुद्री राष्ट्र है जिसका लंबा समुद्री तट है। आर्थिक संपन्नता, विकास और रणनीतिक दृष्टि से चौकस और सुरक्षित समुद्री सीमाएं हमारे लिए अति आवश्यक हैं।